एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है और अभी दोपहर का टाइम है और मैं सारे कपड़े उठा रही हूँ, मिश्रा जी का वेट कर रही हूँ। मिश्रा जी आए तो फिर चाय नाश्ता वगैरह बनाऊँ कुछ। और दाल आज हमने भिगो के रखी है, आज हमारे यहाँ पूजा होता है जिसके चलते दाल दही बड़े और खड़ी दाल डाली जाती है, उड़द की खड़ी दाल डाली जाती है। तो सारी चीज़ें डाल के फिर वो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या बनता है हमारे घर। और फिर आते हैं दादा हैं तो उनको दिया जाता है और बाकी भोग लगा के घर में खाया जाता है। तो आज मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग, और दही बड़े भी दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं। तो दही बड़े ना मम्मी अक्सर बनाती, क्योंकि दही बड़े मम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने कई बार ट्राई करे हैं बट मैं उनके जैसा नहीं बना पाती, तो वो देती नहीं है मुझे बनाने के लिए, तुम ख़राब कर दोगी, वही बनाती हैं। तो चलो फिर, खैर मिश्रा जी भी आई थिंक आ ही रहे होंगे, आ गए हैं। तो अभी जल्दी से देखती हूँ क्या क्या लाए हैं, फिर उसके बाद जुटते हैं और दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मम्मी इधर बड़ा बना रही हैं और बड़ा उन्होंने कढ़ाई में डाल दिया है, अच्छे से पकेंगे बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब फ्लेम इसका लो करना होता है। और ये देखो आप कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ये कुछ मम्मी ऐसे बना लेती हैं, और मम्मी के हाथ के दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुझे नहीं आता है इतना सॉफ्ट और इतना कुरकुरा मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा वाला ना हमेशा कड़ा हो जाता है, मतलब मैं जब फेंटना होता है तो अच्छे से फेंट नहीं पाती हूँ, मम्मी बहुत अच्छे से फेंटती हैं। और ये है पानी जिसमें कि बड़े डाल के फिर मट्ठी में डाले जाते हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़े जो मट्ठी में डले हुए हैं तो ये वाले मट्ठी में डल गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय, और ये दही बड़े के लिए बड़े बने थे जो कि हम लोग खाएंगे चाय के साथ, आज नाश्ता करेंगे। और ये रखी हुई है चाय, तो ज्ञानू के पापा कहीं गए हैं और ज्ञानू गया है उनको बुलाने, और तब तक मैं सबका हिस्सा निकाल के रख देती हूँ और ले आती हूँ, तब तक वो मिश्रा जी भी आ जाएंगे और फिर हम लोग पियेंगे एक साथ बैठ के चाय। तो आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय करिए हम लोगों के साथ में। कैसा लग रहा है? पैर मत लो। क्या है बताओ? लट्टू। सही सही, असली नाम बताओ इसका। असली नाम है क्या था? फरा नहीं, बड़ा। कहाँ पे चले गए? क्योंकि ये चाय है फरा। तुमको पसंद आए? ये क्या है? ये क्या करने जा रहे हैं? पापा इसको खोलो। खोले? पापा ये जादू की पुड़िया है, इसको पापा, क्या कहा? पापा इसको खोलो। पता नहीं क्या इस खोलने को क्या कहते हैं, पहले ये बताओ। करो पापा इसकी। क्या करे? पापा मुझे देखना इसके अंदर क्या है। पहले बताओ क्या करें? अनबॉक्सिंग कर दो इसकी। अनबॉक्सिंग कर दे? अरे कोई मोबाइल है क्या जो अनबॉक्सिंग कर दे? नहीं नहीं, अच्छा ज्ञानू को तो पता होगा इसके अंदर क्या है, चलो बताएं ज्ञानू ही बताएं। बताओ क्या है? पहले खोल कर तो देखूं। नहीं नहीं, तुमको पता है तुम सबको उल्लू बना रहे हो। हाँ तो फिर खोलने की क्या जरूरत है इसको? हो गई अनबॉक्सिंग। हो गई अनबॉक्सिंग ना, देखा? अरे पापा पहले खोल के तो देख ले पहले टोस्ट। अरे टोस्ट ही क्या, कभी टोस्ट नहीं देखे क्या? मैंने यकीन दिला दिया ना इसमें टोस्ट। मुझे नकीन ना होता, मुझे लग रहा था नकीन नहीं होता। अब इसको जल्दी दो, खोल दो भाई। ओके कर ही देते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं। लेकिन कहाँ से? वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपनी क्लास खाली। ये लो, हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। और ये मिश्रा जी लाए हैं एक स्टूल, इतना बड़ा सा है, तो इसको मम्मा इधर देखो, हो गई अनबॉक्सिंग। दिखाओ। ओ
चलो इसकी अनबॉक्सिंग हो गई, पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लिया जाए। तो हो गई अनबॉक्सिंग, चलो भाई गानो टेस्ट करके दिखा। टेस्ट तो वही है ऐसे वाला, क्या बोल रहे? रुको रुको, जुबा केसरी अरे इतना छोटा क्या, एक एक हाथ का निकले। ज्यादा कुछ खास नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक और टोस्टर पैक। तो ये है खाना और ये है खड़ी वाली दाल। तो इसको, खड़ी वाली दाल को भिगो के रखते हैं, फिर इसको छौंका जाता है, मतलब कि छौंकने से मतलब है बस हल्का सा कल्हार लेते हैं और फिर उसके बाद डालते हैं इसमें हरा मसाला भी डालते हैं। मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो इसकी रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। आज नहीं शेयर किया है क्योंकि आज बहुत बड़ा हो जाता वीडियो। तो दही बड़े हैं और सब्ज़ी है ये आलू की सूखी और चावल बस रोटियां हैं। तो ये है भोग जो कि भगवान को लगाया गया था और अभी इसको खा लेंगे मिश्रा जी और ज्ञानू। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग भी आइए और एंजॉय करिए हमारे साथ में। सबका खाना पीना हो चुका है और खाना होने के बाद मैंने सारे बर्तन बाथरूम में रखे हैं क्योंकि धुलना है। और हाँ, हमारे घर में ना बर्तन बाथरूम में ही धुले जाते हैं, मतलब मांजे जाते हैं अच्छे से। और गांव में ज़्यादातर घरों में यही होता है क्योंकि एक लोगों ने मुझसे बोला था कि दीदी आप किचन में मांजा करिए, तो हमारे यहाँ सिंक नहीं है और जहाँ पर सिंक होता है वहाँ पर लोग सिंक पर धुल लेते हैं, बट हम लोग किचन बाथरूम में ही जाके धुलते हैं। तो ये है मेरी नाइट रूटीन, नाइट क्लीनिंग रूटीन। अगर कभी बनती है सब्ज़ी सॉरी रोटी दाल, तो फिर ऐसे साफ़ करना होता है मुझे शाम और सुबह दोनों। और अभी आप बगल से देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा दिन भी है तो इसलिए मैं झाड़ू का यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं झाड़ू यूज़ नहीं करती हूँ रात में और करना भी नहीं चाहिए। तो खैर अभी मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो सारा काम खत्म हो चुका है फिर से और देखो सब ऐसे मैं गैस साफ करती हूँ डेली, अगर रोटी पर रोटी दाल दाल ऐसा कुछ बना तो, मतलब कि जैसे जूठा खाना बना हमारे यहाँ, जिस चीज़ में तेल नहीं पड़ता ना वो जूठा होता है और जैसे किसी चीज़ में तेल पड़ गया मान लो पूड़ी पराठे, तो फिर वो मतलब फिर उसमें बस पोंछ देना होता है। तो ऐसे डेली काम होता है मेरा और ऐसे डेली किचन साफ करती हूँ मैं। आप कैसे करते हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बिंदी निकल गई है मेरी, तो वैसे भी रात में मैं बिंदी निकाल ही देती हूँ और आजकल ना मेरा वेट काफ़ी गेन होता जा रहा है, जैसे ही मैं सोचती हूँ कि मुझे डाइटिंग करनी बट हो ही नहीं पाता है कुछ, मतलब कुछ ना कुछ पता नहीं क्या, कोई आ गया कुछ हो गया। तो पहले क्या था, पहले मैं खाने में बहुत कंट्रोल करती थी, मैं पकौड़ियाँ बनी ना तो मैं बस बनाती थी, खाती एक भी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत लापरवाह हो गई हूँ। मिश्रा जी अब तो डांटने लगे कि वेट बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। तो और ज्ञानू भी कहता है, ज्ञानू जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, मम्मा मोटी हो रही हो, तो वो तो अक्सर कहता है मम्मा मोटी होती जा रही हो। तो आजकल सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ, उठ के मैं एक्सरसाइज तो करने लगी हूँ क्योंकि ठंड थोड़ा सा कम हुई है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी हूँ, बट अभी उतना ज़्यादा नहीं जैसे मैं पहले करती थी ना उतना नहीं हो पाया है।
तो अभी टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी करना है। आज ये वाले सोच रही हूँ कान के निकाल दूँ, दूसरे पहन लूँ जो डेली यूज में पहनती हूँ। और आज का व्लॉग भी यहीं पे खत्म करूंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर से मिलूंगी अच्छा से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।